आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आपको नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। आज हम बात करेंगे IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में, और बात करने का रीज़न ये है कि कई लोगों ने अलग अलग तरीके से कई चीज़ें पूछी। जैसे कि मैं संवाद भी करता हूँ, मतलब मैं अपने लोगों के रिएक्शंस भी लेता हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं अपनी बात ही थोपता हूँ आप लोगों पे। तो मैंने एक वीडियो पे आप लोगों के रिएक्शंस लिए थे जिसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, या कह सकते हैं कि जिन्होंने अपने अपने कॉमेंट्स, अपनी अपनी राय जाहिर की। सॉरी, वो कौन सा वीडियो था? यस बैंक, RBL बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक एंड SBI बैंक। आप बताइए इन बैंक्स में क्या करना चाहिए। मैंने पूछा था, थंबनेल पे ही डाला था, मस्ट वॉच एंड पार्टिसिपेट, जिसमें बहुत सारे कॉमेंट्स आए, काफ़ी लोगों ने देखा, करीब करीब 1300 व्यूज हैं इसमें। और इसमें जो यस बैंक पे लोगों की राय थी कि कुछ लोगों का कहना था भाई बैंक लुट पिट चुकी है, इसमें कुछ बचा नहीं है, दमखम में खोखली हो चुकी है। कुछ लोगों ने कहा कि ऑपरेटर्स ने इसमें क्या किया, लोगों से कहा भागो बेचो, नीचे के लेवल पे वो फिर बाइंग करेंगे, ऊपर जब फिर ये भाग जाएगा तो फिर लोग ऑपरेटर्स कहेंगे कि बेचो, इसमें जान नहीं है अभी। कुछ लोगों ने कहा कि ये बहुत लुट पिट चुका है, अब इसमें जो नया मैनेजमेंट है, आने वाले समय में फिर से ये बैंक लंबे समय में हो सकता है कि मल्टीबैगर हो जाए। इस तरीके से मिली जुली लोगों की प्रतिक्रियाएँ थी, और जो उसका निचोड़ मैं रखूंगा आप लोगों के समक्ष। RBL बैंक भी काफ़ी एक साल में टूट चुका है 50% के आसपास, अगर मैं गलत नहीं हूँ। IDFC फर्स्ट बैंक क्या है कि ये अभी रिसेंटली 2018 दिसंबर में मर्ज हुई है। कैपिटल फर्स्ट और IDFC बैंक दोनों मिलकर बन चुकी हैं IDFC फर्स्ट बैंक। और जो इसके MD एंड CEO हैं उनके बारे में भी बात करें, क्योंकि ना तो ये अभी बैंक आपको जो है इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, ना तो इसमें कुछ अभी जान दिख रही, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जिन पे हम लंबे समय के लिए अगर हम सोचें उसमें थोड़ा सा, तो हो सकता है कि हमें आगे अच्छा मुनाफा मिल सके, हो सकता है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है या कोई बैंक की कॉल नहीं है। SBI बैंक PSU बैंक है, ज़बरदस्त है, और नीचे के लेवल पर गिरावट भी है, तो जो लोग चाहें तो इसमें ख़रीद सकते हैं, लेकिन थोड़ा मैं इस पर रिकमेंड नहीं कर रहा खरीदने की। आप अपने सूझबूझ के हिसाब से कि इसमें क्या है कि कितनी भी ज़बरदस्त गिरावट आ जाए, SBI बैंक कभी ना कभी अच्छा बाउंस बैक करेगा, क्योंकि इसके अभी फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हो गए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं अभी, और NPA वगैरह कम हुआ इनका। तो ये जो प्रतिक्रियाएँ थी चारों बैंकों पर, सबसे ज़्यादा यस बैंक और IDFC बैंक पर लोगों ने कॉमेंट्स किए, और सबसे ज़्यादा जो भरोसा जताया वो था IDFC फर्स्ट बैंक पर। इसीलिए जब IDFC फर्स्ट बैंक ने लॉस किया इस क्वार्टर में भी June 1 के, और उन्होंने जो प्रोविजनिंग की दिखाया कि हमारे इतने इतने जो बैड लोन्स वगैरह जो भी हैं हम उन पर अभी रिकवर नहीं कर सकते, तो शेयर प्राइस जो है उतना टूटा नहीं जितना कि अगर किसी और का होता, और किसी कंपनी या बैंक का होता, तो बुरी तरीके से वो शेयर का प्राइस या टूट जाता है उसका प्रीमियम। देखिए, इन्होंने June 19 में फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में जो इनका Q1 का जो लॉस दिखाया 617 करोड़, उसके बावजूद भी शेयर प्राइस में इतनी गिरावट नहीं आई है। उसका कारण यही है कि कहीं ना कहीं लोगों को मैनेजमेंट पर भरोसा, जबकि IDBI बैंक 42 रुपये के समय थी, और फिर नीचे काफ़ी गिरावट आती गई, और जब उसके रिजल्ट्स भी आए लॉस में तो बुरी तरह टूट गई। आज किस लेवल पे है आपको ही पता है, जबकि LIC उसके साथ खड़ी हुई है, फिर भी LIC की ही है। अब इस तरीके से लोगों का जो भरोसा है इस बैंक पे, तो हम कुछ देख लेते हैं। जैसे कि आज का प्राइस पहले देखना बहुत ज़रूरी है, 42 रुपये 65 पैसे है, और September 4, 2019 1:27 है, जो हाई बनाया था 56 रुपये और लो बनाया था 32 रुपये साल का। और सेंटीमीटर में लोगों ने कहा 81% बाइंग कॉल है। 20,326 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है, जबकि यस बैंक की है 14,000 के आसपास। यस बैंक से भी कैपिटल वाइज ये बड़ा हो चुका है, बड़ा है, यस बैंक छोटा हो चुका है। इनफैक्ट डिलीवरी इसकी जो है 52% के आसपास है, यानी 50% से ऊपर दिख रहा है, तो इसका मतलब एक शानदार है, लोगों ने खरीद रखे हैं, अपने जमा कर रखे हैं। तो अब इसमें क्या स्थिति बनती, देखिए सिंपल सी बात है, अगर मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाऊं कि मान लीजिए आप कहीं सफ़र कर रहे हैं, आप बाई फ्लाइट जाना चाह रहे हैं। बहुत सारे यात्री होते हैं जो चाहते हैं कि हम ट्रेन में जाएँ, सुरक्षित पहुँच जाएँगे, अगर कुछ
एक्सीडेंट भी हुआ तो थोड़ा सा खरोंच या चोट या आ जाएगी या बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। लेकिन एरोप्लेन में अगर फ्लाइट में एक भी पुर्जा आपका ढीला हुआ, इंजन बंद हो गया, तो अगर पायलट स्मार्ट नहीं है या लैंडिंग प्रॉपर नहीं करा पाया या फिर उसको सेफ लैंडिंग नहीं करा पाया, तो फिर आप समझिए कि जान बचाना मुश्किल है। इसी प्रकार से हम जो है निवेशक किसी एक ऐसे जहाज़ पे हैं जिसके पायलट की कमान एक ऐसे कॉरपोरेट जो गवर्नेंस होती है, जो मैनेजमेंट होता है, जो उसके चलाने वाले डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड मेंबर्स होता है, ओवरऑल उन पे ही निर्भर करता है कि वो कहाँ लेके हमें जाएं, क्या हमें सुरक्षित लैंडिंग करा पाएंगे तेज़ी से ले जाके। तो इसी तरीके से पूरी डिपेंडेंसी हमारी जो है, हम चुपचाप पैसा लगा के सीट बेल्ट बांध के बैठे हुए हैं। अब ये क्या राफेल बन पाएगा? ये अभी मुझे लगता है स्टॉक, ये अभी समझिए कि अभी जो पूरे शेयर मार्केट में काले बादल मंडरा रहे ना, एक तरीके से कह लिया जाए तो अभी इसको मौका नहीं मिल रहा है। अभी ये वहीं पे जो है घूम रहा है, रिपेयर कर रहा है अपने आप को। तो जिस प्रकार से इनका मैनेजमेंट, अब मैनेजमेंट के बारे में हम जानना ज़रूरी है, मैनेजिंग डायरेक्टर के बारे में, कि पहले इनकी प्रोफाइल क्या थी। वी वैद्यनाथन, ये पहले सिटी बैंक में थे 2000 से पहले, उसके बाद ICICI बैंक में आए। ICICI बैंक को एक रिटेल में जो है आगे ले जाने वाले यही थे, 2010 में छोड़ा उन्होंने, फिर अपना ये सब कारोबार छोड़ते हुए उसके बाद NBFC एक फॉर्म की कैपिटल, उसके बाद IDFC फर्स्ट से इन्होंने अभी पिछले वर्ष जो है मर्ज हुए, और अब जाके IDFC कैपिटल फर्स्ट के कुछ लक्षण हमें ऐसे जो होते ना होनहार पौधे होते हैं वो दिखाई देने शुरू हो गए हैं। जिस प्रकार से इनकी ब्रांचेज ओपन हो रही हैं, जिस प्रकार से इनके सेविंग अकाउंट्स में बड़े एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं, जिस प्रकार से इन्होंने KBC में भी अपनी प्रेजेंस बनाई हुई है, तो कहीं ना कहीं ये अपने बैंक को, यूनिवर्सल बैंक को ये बताना चाह रहे हैं लोगों से कि एक ये भी बैंक है IDFC फर्स्ट बैंक, जो हर सुविधा, हर फैसिलिटीज़ औरों की तरह और औरों से अच्छा भी दे सकती है। तो थोड़ा समय लग जा सकता है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि ये 6 महीने या साल में डबल हो जाए। लेकिन जो एक ऑब्जर्वेशन होता है टेक्निकल या फंडामेंटली या कुछ ऐसे, बहुत सारी चीज़ें हम अभी नहीं बता सकते, क्योंकि अभी दोनों मर्ज हुई हैं और पास की जो हिस्ट्री है दोनों की स्टैंड अलोन थी। तो अभी जो कंसोलिडेटेड है वो आगे आने वाले समय में हमें प्रॉपर पता चल पाएगा कि जो आने वाले क्वार्टर्स हैं। लेकिन जब तक कोई बैंक या कोई कंपनी कमा नहीं रही खुद, नेट प्रॉफिट अगर उसको नहीं बच रहा है, नेट प्रॉफिट क्या है, जो भी नेट प्रॉफिट है वही तो अर्निंग पर शेयर में जितने शेयर्स होते हैं डिवाइड होता, तो वो EPS निकलता है। तो जो कमाई नहीं हो पा रही है तब तक आप कोई गुंजाइश नहीं है कि आपका पैसा डबल हो, ट्रिपल हो या कुछ परसेंट जो भी हो। होगा वो एक बाइंग होती है, खरीदारी होती है, भाव बढ़ता है फिर नीचे आता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का मिलता है जब कंपनी आउट परफॉर्म करती है, अच्छे नंबर्स आते हैं, रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, है ना, कासा बुक बढ़ता है इस प्रकार से। तो ओवरऑल जो हिस्ट्री है, मैनेजमेंट जो इनका एक्सपीरियंस रहा है, मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, आप बिल्कुल भी बेफिक्र हैं। हो सकता है कि जो लोग इसमें निवेशित हैं उनको थोड़ा सा हौसला मिले। कभी कभी क्या होता है, मार्केट में इतनी गिरावट पूरे भारतीय बाज़ार में आती है, तो ऐसे में मुझे जो अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं मैं उनके लिए कुछ मोटिवेशनल वीडियोस बनाता हूँ। बहुत लोगों के कमेंट्स आए थे, कुछ लोगों ने तो मुझे मेल पे भी रेकमेंड किया कि सर IDFC बैंक हमने इतने ले रखे हैं, अब हम क्या करें उस पे? अब मैं उसमें क्या कह सकता हूँ आप बताइए ना, बिल्कुल लॉस मेकिंग है अभी तक तो उसका जो रिजल्ट्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैनेजमेंट पे भरोसा कर रहे हैं कि अब सुधार हो रहा है, क्योंकि अभी उस पे एक तरीके से उसको जो रिपेयर किया जा रहा है कि भाई ये रिपेयर होने के बाद इसके इंजन जब सॉलिड हो जाएंगे तो राफेल बन जाएगा, हवाई जहाज़ भी नहीं जंबो भी नहीं राफेल बन जाएगा। तो ओवरऑल कहने का जो यही मकसद है मेरा कि उन लोगों से भी कि जो लोग निवेशित हैं वो बने रहें, बेचने की तो गलती करें ही ना। हाँ, जो लोग नया निवेश करना चाहते हैं तो देखिए क्या है, अभी मैं आपको बोल दूं कि भाई ख़रीद लीजिए तो आप भर भर के ख़रीद लोगे और वो नीचे चला जाएगा 10, मान लो 5-4 रुपये नीचे, तो फिर आप कहोगे अरे आपने रिकमेंड किया था इस वीडियो में और हमने ख़रीद लिया, हमें लॉस हो रहा है। सिंपल सी बात है, मैं कभी भी रिकमेंडेशन देता ही नहीं ख़रीदने की, मैं जनरली इन्फॉर्मेशन देता हूँ, आप लोग गलत ले लेते हैं, और उसी इन्फॉर्मेशन में मेरा उत्तर भी छुपा होता है। अब समझने वाली बात आप लोगों की है कि मैंने जो बताया कि मेरे कहने का मतलब क्या था।
कि अगर लेना भी है तो 100 रुपये में 5 रुपये का लीजिए। अगर आपके मान लीजिए 100 रुपया है, आप 100 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 5-10 रुपये का लीजिए। किसी भी सेक्टर या पूरे किसी एक सेक्टर में या पूरे या किसी एक स्टॉक में पूरा पैसा मत डालिए कभी। एक तुम हमेशा, मैं जब से वीडियो बना रहा हूँ तब से कहता हूँ अल्टरनेट, क्योंकि नए सब्सक्राइबर्स प्रतिदिन जुड़ते हैं तो उनको भी मालूम पड़ना चाहिए। तो हो सकता है आप लोगों को लगता है कि हर बार आप ये रिपीट करते हैं, हर बार आप गुरु ज्ञान देते हैं, तो भाई साहब IDFC फर्स्ट बैंक में आज मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था। क्यों हम इनके फ़ोटो छिपा रहे हैं, दिखा देते हैं आप लोगों को। तो ओवरऑल बैंक का प्रदर्शन धीरे धीरे अच्छा हो रहा है। आने वाले समय में अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आने लगे, बैंक चलने लगी, धड़ल्ले से कमाई होने लगी, तो आप सोचिए कि आपको भी अच्छा मुनाफा हो सकता है ना। लेकिन अभी फ़िलहाल इसके उतने अच्छे परिणाम नहीं हैं, अच्छे परफॉर्मेंस नहीं है, तो इसलिए। लेकिन ओवरऑल लोगों ने इस पे भरोसा जता रखा है, जिस हिसाब से डिलीवरी है, जिस हिसाब से मैनेजमेंट आके खुद कहता है, सामने से आके एक कॉन्फ्रेंस करते हैं और अपने निवेशकों को बताते हैं कि भाई हम लगे हुए हैं, हम इसको सुधार देंगे, हम आगे कुछ कर देंगे, तो लोगों को थोड़ा सा हौसला जागता है। ये एक अच्छी बात है इस तरीके से। तो मैंने अपनी सारी बात कह दी जो मुझे कहना था दोस्तों। और कोई सुझाव हो, क्योंकि ये उसी वीडियो की प्रतिक्रिया आज मैंने दी है कि इन चारों बैंकों में से जिन लोगों को लगता है कि यार यस बैंक में लुट पिट गए, बहुत ज़्यादा हो गए, जिन लोगों को लगता है RBL में भी कुछ दिख नहीं रहा, बड़ी प्राइस का है, जिन लोगों को लगता है SBI सरकारी बैंक है, मल्टी बैगर कभी हो नहीं सकता, IDFC बैंक में अभी क्या चल रहा है, क्या करें, कुछ लें कि न लें, जो लोग ले रखा है सर क्या वो वहीं पर अटका पड़ा है, भाई सिंपल सी बात है, पूरे मार्केट में आजकल आपको पता ही है क्या चल रहा है। US चाइना ट्रेड वॉर, मंदी की भी जो है खबरें सुनने को मिल रही हैं। अब मुझे, मैं तो बहुत बड़ा अर्थशास्त्री हूँ नहीं, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता भाई क्या है और क्या चल रहा है। ऑटो सेक्टर में धराशायी है इस प्रकार से। बैंकिंग पे भी ज़बरदस्ती RBI की तरफ से कभी कभी मार पड़ती है, कभी किसी सर्विसेज में टैक्स कर दिया जाता है, कम ब्याज दर कम कर दी जाती हैं, क्योंकि ब्याज से ही इनकी कमाई है। इनको जो ब्याज आता है, जहाँ मान लीजिए कि उदाहरण के लिए अगर 7-7.5% पे ये लोग पैसा उठाते हैं, और वही आपको पर्सनल लोन या जो भी देते हैं 16-17% पे, बिज़नेस लोन वगैरह जो भी देते होंगे, तो इनको यही जो मार्जिन होता है यही होता है, ब्याज से ही कमाई होती है इनकी, चाहे वो होम लोन दे, चाहे आपको पर्सनल लोन दे, चाहे, तो ब्याज से ही ये कमाती है बैंक है ना इस प्रकार से। तो अब चाहे FD के माध्यम से जो भी पैसा जहाँ से भी उठाते हैं जिस प्रकार से लेते हैं, इनका जो ट्रेजरी होती है, जो इनका रिटेल बैंकिंग होता है, जो कासा होता है, तो वहाँ से पैसे उठा के ये पैसा आगे दे के ब्याज से कमाते हैं। तो दोस्तों आज मैं यहीं पे वीडियो वाइंड अप करता हूँ। अगर आप लोगों को कुछ और लगता है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में करें, क्योंकि हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें और पता होती हों जिससे हमारे सारे लोगों को पता चल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।